आज हम बनाएंगे होल फिश बिरयानी। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। होल फिश की बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तिलापिया फिश ली है। आप कौन सी वाली भी फिश ले सकते हैं, जो फिश आपको पसंद है वो फिश ले सकते हैं आप। तो मैंने फिश को अच्छी तरह से वॉश करके इस पर कट्स लगा लिए हैं, और कट्स इस तरह से लगाए हैं कि कट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आप जहाँ पे फर्स्ट साइड कट लगाएंगे उसके आगे के हिस्से पे आपको दूसरी साइड कट लगाने हैं, ताकि आपकी फिश फ्राई करते वक्त टूटे ना। फिश को मैरिनेट करने के लिए अब हम उसका ग्रेवी रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लूँगी, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेंगे, फ्रेश लेमन जूस, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे। जहां पे हमने कट्स लगाया है बस मैरिनेशन हम उसके अंदर ही डालेंगे। अब फिश को हम फ्राई कर लेंगे। फिश फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। अब इसमें ऑयल डालूंगी मैं। ऑयल डालने के बाद मैं पैन के ऊपर थोड़ा सा नमक डालूंगी, ताकि हमारी मछली टूटे ना। फिश को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और बिल्कुल एहतियात से हम पलटाएंगे ताकि वो बीच में से टूटे ना। फिश फुल्ली कुक हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे फ्लेम ऑफ करके। अब हम बिरयानी बनाने के लिए ग्रेवी रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, और 6 टेबलस्पून ऑयल डाला है इसमें, और ऑयल गर्म हो चुका है, और एक बड़े साइज की स्लाइस की हुई अनियन डाली है। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी 1 टेबलस्पून।
इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े टमाटर लिए हैं और 6 हरी मिर्च ली है। अब हम इनका प्यूरे बना लेंगे ग्राइंड करके। मैंने टमाटर और हरी मिर्च को ग्राइंड करके इसका प्यूरे बना लिया है। अदरक लहसुन अच्छी तरह से सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च का प्यूरे डाल देंगे। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून शाही जीरा, 4 से 5 दालचीनी स्टिक्स, 8 लौंग, 2 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची। वन टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिश को मैरिनेट करने के बाद हमारे पास जो मसाला बच गया है, ये मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भी ऐड कर लेंगे ग्रेवी के अंदर। ग्रेवी अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप कोकोनट मिल्क डालूंगी। ग्रेवी अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। बिरयानी की ग्रेवी रेडी है और मैंने यहाँ पे फिश भी फ्राई कर ली है। अब हम चावल की तैयारी कर लेंगे। बिरयानी के चावल पकाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून शाही जीरा डालूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 4 से 5 दालचीनी स्टिक्स डालेंगे। 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम राइस लिया है और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगा लिया था। पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें राइस डाल दूंगी। अब हम चावल में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। चावल अच्छी तरह से पक रहा है और चावल को हम 80% तक पकाएंगे। चावल 80% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब हम बिरयानी को दम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉटम में थोड़े 1 लेयर बना ली है राइस की। अब इसमें बनाई हुई ग्रेवी डालेंगे। थोड़ा सा फ्रेश पुदीना डाल देंगे हम इसके ऊपर से।
इसमें फिश रख देंगे। अब हम इसमें जो ऑयल से मैंने फिश फ्राई की थी, अब यही ऑयल मैं यूज करूंगी इसके ऊपर डालने के लिए। तो अब हम ये इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डाल देंगे पूरा। तो हमको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी ऑयल डालने के बाद। अब ये बिरयानी के बीकर को मैं फॉइल से रैप कर दूंगी। बिरयानी के बीकर को मैंने अच्छी तरह से फॉइल से कवर कर दिया है और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम 4 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे और 4 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और हम इसको 10 मिनट ऐसे ही रखें, उसके बाद हम खोलेंगे। ये हमारी होल फिश वाली बिरयानी बनके रेडी है और ये रेडी टू ईट है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।